छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत हाथ फैला लिए, बस अब और नहीं। मेरी तरफ से कहीं कोई कभी नहीं थी मिस्टर सक्सेना, इनफैक्ट आपने मुझे अपनी चाल में फंसाया और अब आप अलग हो रहे हैं। यू फूल्ड मी इन योर गेम मिस्टर सक्सेना। ये लीजिए मेरे शादी का इनविटेशन कार्ड। मुझे और भी जगह जाना है ये नो। अच्छा तुलिका, तूने मेहंदी वाली को फोन किया? अरे बोल ना, गुड गर्ल। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। इसको एंटी डिप्रेसेंट नहीं दिया तुमने? माँ मैंने कोशिश की थी मगर देने लीने। दीपिका बेटी, काम बहुत हो गया, अब थोड़ी दवाई लेके आराम कर ले बेटा। क्यों दवाई क्यों? मैं बीमार हूँ क्या? मुझे क्या हुआ है? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? बेटी कोई पीछे नहीं पड़ा है, सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए कह रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन दादी, ओके? मुझे तो लगता है आप लोगों को ऋषभ ने पट्टी बढ़ाई है। मैं चाहता कि मेरी शादी हो, इसलिए जहर देकर मुझे मारना चाहता है। मैं अभी शेखर से फोन करती हूँ। आई नो। हेलो शेखर, हाय हाउ आर यू? शेखर प्लीज तुम मुझे यहाँ से ले चलो, यह मेरा बहुत दम घुटता है। तुम्हें एक बात बताऊँ, डॉक्टर ऋषभ है ना, मुझे जान से मारना चाहता है। हाँ, मुझे नहीं मालूम क्यों। मेरा अपना बेटा इतना बड़ा धोखा देता रहा और मेरी आंखों में हमेशा यही था कि उसके दिल में हमारी पूरी फैमिली के लिए प्यार है, जिम्मेदारी है। नींदें उड़ गई भाभी, दुनिया का सामना करने की ताकत ही नहीं रही। डरता हूं घर से बाहर निकलूंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब, और लोगों की परवाह मत कीजिए, वरना मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस तरह हिम्मत हारेंगे तो भाभी को कौन संभालेगा, हमारी देविका को कौन संभालेगा? देविका से तो शायद अब मैं आंख ही नहीं मिला पाऊंगा भाभी। अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि पापा पापा आपको तो ऋषभ पर बहुत भरोसा था, क्या हुआ उस भरोसे का, तो क्या जवाब दूंगा मैं भाभी? पिछली बार जब विनोद से उसकी सगाई टूट गई थी तब भी यही सवाल किए थे कि पापा इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों सजा मिल रही है। अब मैं क्या कहूं उससे बेटा कि जब अपने ही दुश्मनी पर उतर आए तो यही होता है। ऋषभ को लेकर तो सभी हैरान है, भाई साहब हो सकता है ना कि हमारे ऋषभ की भी कोई मजबूरी रही हो। कैसी मजबूरी भाभी, कोई मजबूरी नहीं, हमसे दूर रहते सारे रिश्ते भुला दिए उसने, अपनी नई दुनिया बसाते वक्त हमें से किसी का ख्याल नहीं आया उसे। 7 साल ये राज उसने हमसे छिपा कर रखा, जिंदगी भर नहीं बताता, अगर आरती ने ना सुना होता तो। उत्तरा ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर से किस कदर टूट चुके हैं वो। आखिर अपनी जवान बेटी के आंसू कैसे सह सकती है? और अम्मा क्या कसूर है उनका, इस उम्र में ये सब देखने को मिल रहा है उन्हें। अगर ईश्वर मेरे सामने आ जाए तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा कि क्यों ये सब सहना पड़ रहा है मुझे, मेरे परिवार को। जो जैसा करता है ना वैसे ही भरता है मामा। I'm sorry भाभी, अपनी परेशानी आपको बताकर आपको भी दुखी कर दिया मैंने। खैर छोड़िए, ये बताइए हमारी नेहा बिटिया कैसी है, उसका कामकाज कैसे चल रहा है? कैसे बताऊं आपको भाई साहब, नेहा क्या कर रही, किसी अपने से एक और चोट मिलेगी तो कैसे सहेंगे आप?
शिव, आई एम सो हैप्पी। इतने दिनों से टेंशन चल रही थी, एक ही पल में सब खत्म हो गई। आज का दिन बहुत खास है। आई हैव टू गो टू द चर्च एंड लाइट अ कैंडल देयर। मैंने मन्नत मांगी थी। वाह, भगवान को रिश्वत दे भी रही हो तो एक मोमबत्ती। वो भगवान है, इंसान नहीं है जो लालची हो। मैंने कहा था तुमसे, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बताया था मैंने तुमको कि अगर मैं सही हूँ और अगर मेरी किस्मत मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, लेकिन कभी कभी किस्मत का डायरेक्शन अपनी तरफ मोड़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या काकुल? काकुल, I'm so relieved. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई जादू हो गया और सारी परेशानी दूर हो गई है, सब तुम्हारी वजह से। Thank you so much. संध्या दीदी, प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू कहकर आप हमें पराया कर रही हैं। अरे तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और क्या करूं मैं? तुम सामने हो नहीं, सामने होती तो फौरन तुम्हें गले लगा लेती। सच काकुल, तुम नहीं होती तो पता नहीं ऋषभ को कितनी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती। और इनका उदास चेहरा देख देख कर एक तरीके से मैं भी हिम्मत हार गई थी। लेकिन हमें अपने ईश्वर पर और बाबूजी पर पूरा भरोसा था, और हम ये भी जानते थे कि कोई चाहकर भी ऋषभ भैया के साथ बुरा नहीं कर सकता। काकुल, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा करो ना, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ हमारे पास। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अरे लाओ जरा, मुझे भी तो बात करने दो। सब तुम बोलोगी तो मैं क्या बोलूंगा उससे। काकुल, ऋषभ भैया आप कुछ भी कहिए, लेकिन सिंथिया दीदी की तरह थैंक यू प्लीज मत कहिएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ओम शंकर जी को अपना शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे सारे पचड़े से बाहर निकाला है, इसमें तो कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं ऋषभ भैया, लेकिन बाबूजी से बात करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, जब तक बाबूजी का गुस्सा शांत ना हो जाए। लेकिन हम जानते हैं बाबूजी ज्यादा दिनों तक आपसे नाराज नहीं रह सकते। लेट्स होप सो। ऋषभ भैया, वो बाकी सब लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे, मुझे कुछ एक्चुअली मालूम नहीं है ज्यादा, क्योंकि उस दिन के फियास्को के बाद मैं भी गया नहीं हुआ तो कुछ। हाँ, वैसे समान से एक बार बात हुई थी मेरी। हमने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन फेथ काकुल, आई एम श्योर समान एक ना एक दिन जरूर रियलाइज करेगा उसने अनजाने में क्या किया है। इसका क्या मतलब हुआ गुप्ता अंकल? जहां तक मुझे याद है फाइनेंसर से ये बात उसी वक्त तय हो चुकी थी कि हम 6 महीने बाद पेमेंट लौटाना शुरू करेंगे, तो फिर ये नोटिस? यही तो बड़ी हैरानी की बात है सम्मान, कि फाइनेंसर को अपनी रकम अब समय से पहले चाहिए। लेकिन गुप्ता अंकल, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? ये तो सीधे सीधे हैरेसमेंट हुआ। एक डील दो लोगों के बीच तय हो चुकी है, एक टाइम लिमिट तय हो चुकी है, तो फिर ये इस बात से वो पलट कैसे सकते हैं? क्या करेंगे हम अंकल? क्या हमारे पास इनफ फंड्स हैं? नहीं बेटा, पूरी रकम अमरनाथ जी बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं। 6 महीने बाद हमें रकम लौटानी शुरू करनी पड़ेगी, ये बात हमारे पास लिखित में नहीं है। अगर ये अमाउंट हमें अभी देना पड़ता है, हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंकल, आपने उस फाइनेंसर से बात करने की कोशिश की? उनसे बात तब होती ना बेटे, जब उनसे कोई कांटेक्ट हो पाता, और फिर उनके वकील ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि उनके क्लाइंट को इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। उनका डिसीजन बिल्कुल पक्का है, उन्हें उन्हें अपनी रकम वापस चाहिए, बस। मुझे शुरू से ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन मैं क्या कहता, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस फाइनेंसर से हमने डील की है उसका नाम, पता, ठिकाना, बिजनेस हमें कुछ भी नहीं मालूम। बीच वाले आदमी ने सारा डील किया है। लेकिन ऋषभ भैया को जरूर मालूम होगा, वही उस आदमी को लेकर आए थे और भैया के सामने ये डील फाइनल हुई थी।
बिल्कुल बेटा। बाबूजी, जब मुस्कुराहट दिल से नहीं निकलता है ना, तो वो आंसू निकलने से ज्यादा तकलीफ देह होता है। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, बस थोड़ी सी थकावट लग रही थी। बाबूजी वो सिंथिया दीदी और ऋषभ भैया का फोन आया था आपसे थैंक्स कहने के लिए। आया होगा। लेकिन वैसे भी डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। वो दोनों तो बहुत खुश थे, बार बार यही कह रहे थे कि उमाशंकर जी का एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। आप जानते हैं बाबूजी, सिंथिया दीदी हमें वहाँ बुला रही थी अपने घर। वो हमारा ख्याल रखना चाहती है और हमारी हर फरमाइश पूरी करना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने हम दोनों को वहाँ बुलाया है। हाँ बेटा, हालात ने भी अजीब मोड़ ले लिया, ये सब प्रभु के खेल है। आज तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ध्यान देने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन नहीं, आज कोई दूसरा तुम्हारा साथ देने को तैयार है, तुम्हारा साथ देना चाहता है। देखो, दीदिया की भी अपनी कोई मजबूरी होगी, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस उनकी बहुत याद आती है बाबूजी। हमको याद नहीं आती है क्या? त्रिशा की याद हमको भी आती है बेटा, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। त्रिशा जो कर रही है वो हमने ही सिखाया है, हमारे ही दिए हुए संस्कार, यही उसका धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर। एक धर्म का पालन करते हुए इंसान बाकी सबसे अलग क्यों हो जाता है बाबूजी? जिस सम्मान और उनके परिवार ने हम में से किसी को भी एक पल का चैन नहीं दिया, आज काकुल और पिताजी ने उन्हीं लोगों की बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया। काकुल के ससुराल वाले तो इस लायक भी नहीं है कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, जबकि मेरे और मेरे पति के पास अपने दर्द और तकलीफों के ढेरों कारण हैं। फिर भी पिताजी ने अनसुना करके हमें ही घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जैसे हम उनके कभी थे ही नहीं। जाने किस जन्म का बदला लिया है तूने काकुल, पिताजी को भी हमारे खिलाफ कर दिया। मुझसे पिताजी की नाराजगी शायद बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के साथ जैसा भी बर्ताव किया है उन्होंने, मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। हम जानते हैं दीदी, आप अपने पति होने का धर्म निभा रही है, ठीक उसी तरह एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। कब तक अपने आंखों के सामने सबके बीच बढ़ती इस दीवार को देखते रहे हम? आप हमसे बहुत नाराज है ना दीदिया, लेकिन जिंदगी भर आप हमसे यूं मुंह फेर कर नहीं रह सकती, आपको हमें माफ करना ही होगा। हम हार नहीं मानेंगे दीदिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए दीदिया। जो हालात तूने पैदा किए हैं ना काकुल, उनमें माफी शब्द भी की तरह लगता है। तो आप ही बताइए दीदी, हम आपसे कैसे माफी मांगे? हम
रिश्तों का भ्रम टूट चुका है। बड़ी मुश्किल से उस दर्द को भुलाया है मैंने जो मुझे अपने ही घर से मिला। मेहरबानी करके अब तो मुझे अपने पति के साथ चैन से जीने दे। दोबारा फोन करके मैसेज भेजने की तकलीफ मत करना, कोई फायदा नहीं। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रही हूं। इतनी नफरत थी दिया, वो भी अपनी छोटी बहन से। एक मां की तरह पाला है आपने हमें, हमारी सारी गलतियों को माफ किया है आपने। क्या एक बार, आखिरी बार आप हमें माफ नहीं करेंगे? क्या जिंदगी भर आप अपने काकुल से यूं ही नाराज रहेंगे? हमें माफ कर दीजिए दीदी, माफ कर दीजिए। सर्वेंट को मेरा रूम डेकोरेट करने के लिए कहा था। ये काम इस नाचीज ने किया है। आज के दिन की अहमियत मैं जानता हूँ। बहुत स्पेशल दिन है आज। लेकिन उस स्पेशल इंसान ने जिसके लिए दिन स्पेशल है, उसने मुझे कुछ कहा नहीं। लेकिन ठीक है, जैसे भी हो, मुझे पता तो चली गया। वो ज़्यादा ज़रूरी है। I'm sorry, I'm late. मैं सुबह तुम्हें विश करना चाहता था, लेकिन मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुम सो रही थी। Then I had to go to your father's office. वापस आया तो तुम शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। So I guess we've been playing hide and seek throughout the day. Happy birthday. Thanks so much. चलो, fresh हो जाओ जल्दी से। I'll take you out for lunch. Come on. Actually, Gautam, मैं भी बाहर से ही आ रही हूँ, इसलिए मैं बहुत थकी हुई हूँ। I can't come. I'm sorry. No, don't do that. किसी ने कहा अपने जन्मदिन पर यूं गरीबों का दिल नहीं दुखाते? Come on, get ready. I'll take you out. Come. भाई, तुम दोनों बैठकर लंच का प्लान बनाओ। मैं जा रही हूँ। Sure. हो गई तुम्हारी बकवास। अब यहाँ से चले जाओ। Just get out. मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। Get out. Listen, sweetheart. Don't do this. मुझे इनकार करके तुम अपने आप को यूं डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। सुनो, प्रिसाइसली 2 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हें नीचे मिलता हूँ। रेस्टोरेंट में मैंने बुकिंग कर ली है और इसे मैं कैंसिल नहीं करूंगा। 2 मिनट्स। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैसी मनहूस जगह लाए हो तुम, जहां दिन में भी अंधेरा है। अंधेरे को उजाले में बदलने में कितना वक्त लगता है? I guess just a clap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear ones. Happy birthday to you. Happy birthday, Vansh. Thank you. Thank you so much. Subman. I'm so happy, Samman. पता है, मैं तुमसे बहुत नाराज थी। मैंने सोचा तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, विश तक नहीं किया। But now, I'm so happy. Thank you so much. तुम्हें फोन नहीं किया, लेकिन फूल तो भेजे थे ना? फूल? फूल आए थे, लेकिन वो स्टूपिड डिलीवरी बॉय वो फूल आपके फादर को पकड़ा दिया। उसके बाद वो फूल मुझे दिखाई दिए घर की बाउंड्री वॉल के बाहर। बुके काफी टूट फूट गया था। इट हैड अ कार्ड ऑन इट। इट वाज अ वेरी क्यूट कार्ड।
तो फिर मुझे लगा कि सम्मान को क्यों ना बुला लिया जाए। इनफैक्ट ये प्लान जो है वो इन्हीं का है। सो आई गेस यू टू लव बर्ड्स, यू एंजॉय योरसेल्फ एंड आई विल कम बैक लेटर। हे गौतम, थैंक्स 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 फॉर एवरीथिंग। नाउ यू डोंट से दैट, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊं। ओके, केक भी आ गया। व्हाई डोंट यू जॉइन अस? एक्चुअली मुझे कबाब में हड्डियां पसंद नहीं है, और जो चीज मुझे खुद पसंद नहीं वो मैं किसी और के लिए कैसे बन सकता हूँ? ऑन सेकंड थॉट, सिर्फ केक खाने तक का इंतजार मैं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ कम से कम। प्लीज प्लीज। जल्दी वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। कोई भी माँ बाप बहुत ज्यादा दिन तक अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकते। ये कागज बस भाई साहब के घर से मेरे सारे रिश्तों को जलाकर राख कर दे? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं बीमार थोड़ी ना हूँ, एक बार ये सारे खा लूंगी ना, फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।